चौटाला परिवार की एकजुटता करने के मकसद से हरियाणा स्वाभिमान आंदोलन के अध्यक्ष रमेश दलाल के नेतृत्व में 27 सदस्यीय किसान व खाप प्रतिनिधि मंडल ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात की और बादल से गुजारिश की कि वे इस मामले में अब पहल करें और दोनों परिवारों को एकजुट करने के प्रयास करें। रमेश दलाल ने दावा किया कि प्रकाश सिंह बादल ने खाप पंचायत की चौटाला परिवार को एकजुट करने की मुहिम की प्रशंसा की, साथ ही बादल ने पंचायत को ही इस मामले में फैसला लेने के लिए अधिकृत किया। बोले, एक मीडिया से बातचीत करते हुए रमेश दलाल ने कहा कि चौटाला परिवार को एकजुट करने के लिए उनकी पंचायत ने अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की है, लेकिन अभी तक ओम प्रकाश चौटाला, मां अजय चौटाला, अभय चौटाला ने पंचायत को अधिकृत कर एकजुटता के लिए सहमति जताई है, लेकिन अभी तक दुष्यंत चौटाला ने पंचायत को अधिकृत नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल ने भी दुष्यंत चौटाला को एकजुट होने के लिए आदेश जारी किए हैं। उन्होंने दुष्यंत चौटाला से पंचायत को अधिकृत करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर खाप पंचायत दुष्यंत चौटाला को खत भी लिखा जाएगा। साथ ही उन्होंने इनेलो नेताओं द्वारा नैना चौटाला पर छींटाकशी कसने पर एतराज जताया और इनेलो के साथ साथ जजपा के नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करे। न्यूज फॉर यू के लिए डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। हमने अब तक जितनी इस दिशा में परिवार को एकजुट करने के लिए प्रगति हुई है, यह जो बातचीत हुई सारी बात सरदार बादल साहब के सामने रखी और सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि आप तो जो मेरे दिल की आवाज़ थी वो काम कर रहे हो, इसलिए मैं आपकी मुहिम को समर्थन देता हूं और आगे के लिए आपको अधिकृत करता हूं कि मेरा भी सहयोग रहेगा, आप इस मामले में आगे बढ़ के परिवार को एकजुट कीजिए। जहाँ तक कुछ में थोड़ी बहुत जो समस्या आ रही है उसका भी हमने चर्चा की, तो उसमें भी सरदार बादल जी ने एक बात कह दी और विशेष तौर पर मैं इसमें एक स्पष्ट कर दूँ, ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमें अधिकृत कर दिया पंचायत को, अभय चौटाला जी ने हमें अधिकृत कर दिया है और जब हम 26 तारीख को मिले थे चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने भी हमें अधिकृत कर दिया है और ये कहा जो पंचायत करेगी हम उसका पालन करेंगे। उसके बाद दुष्यंत जी ने अभय अजय सिंह जी से बात करके मामले को आगे बढ़ाना था, मेरी परसों भी सुबह 1.5 घंटा बात हुई, रात को भी 1.5 घंटा बात हुई और सारी बातें वो तो हम आपसे चर्चा नहीं कर सकते। इसलिए अब अंत में बादल साहब का जो संदेश है विशेष तौर पे दुष्यंत के लिए, उन्होंने एक बात कही है कि उनको आगे आना चाहिए, पंचायत को अधिकृत करना चाहिए, क्योंकि परिवार की एकजुटता से ही उन्होंने कहा है कि दुष्यंत की दादी जी का जो अभी स्वर्गवास हुआ और मेरे भाई चौधरी देवीलाल, उन दोनों की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब ये परिवार एकजुट हो। दुष्यंत जी को भी अब बिना किसी विलंब के पंचायत को अधिकृत करना चाहिए और हम ये विश्वास दिलाते हैं ना अजय सिंह जी के परिवार के साथ और ना अभय सिंह जी के परिवार के साथ कोई भी किसी प्रकार का डेंट नहीं लगेगा, दोनों के हितों का ख्याल रखा जाएगा, दोनों की एकता में पंचायत बढ़िया से बढ़िया फार्मूला उनके सामने प्रस्तुत करेगी और उनको कोई हानि हुए बिना, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, परिवारिक हो, किसी प्रकार से भी बिना हानि के हम इस मामले को परिवार को एकजुट करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कल मीडिया में दुष्यंत जी ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि परिवार का मामला अलग और राजनीति का मामला अलग। परिवार के मामले में उनका सुझाव था कि बादल साहब आगे आए और उसमें इंटरवेंशन करें। मैं एक बात पूछता हूं, कोई जमीन जायदाद का झगड़ा नहीं, कोई परिवार का झगड़ा नहीं, जो झगड़ा है वो राजनीतिक है। इसलिए इधर उधर की बातें अब होने की बजाय वो मेरा भतीजा है, क्योंकि दलाल, मान, देशवाल, सुहाग, ये चार गोत्र तो आज भी आपस में रिश्ते नहीं होते, भाईचारा है। और हम ये सभी खाप और विशेष तौर पर ये चारों गोत्र भी उससे प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं और सुझाव देते हैं कि तुरंत उसको खाप पंचायत पे छोड़ देना चाहिए। अब इधर उधर की बात करने की बजाय हम इसको स्पष्ट कर दें कि दुष्यंत जी से बात हुई है, बात प्रगति पे है, लेकिन उन्होंने अब तक हमें अधिकृत नहीं किया, ये कह रहे जी आपकी मुहिम अच्छी बाउंडेशन ऑफ टाइम है कोई, देखिए आप एक दो दिन में हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे, नहीं तो अगला कदम लेंगे। मैं समझता हूँ उनको हम एक पत्र भी लिखने जा रहे, पहले भी हमने पत्र कभी कोई सार्वजनिक नहीं किया, दुष्यंत जी को व्हाट्सएप पे भेज देते, वो चाहे कभी सार्वजनिक करे, हम एक पत्र फिर लिखने जा रहे हैं और उस पत्र में हम उनसे फिर कहेंगे
कि वो खाप पंचायत पे छोड़ दे। आप क्या दोनों परिवारों में एकजुट करने की कोशिश कर रहे हो, परिवार एकजुट नहीं हो पाएगा, ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। लेकिन दोनों तरफ से मैं समझता हूँ इस प्रकार की टिप्पणियां करते रहते हैं, और हमारा आग्रह है वो इस प्रकार की टिप्पणियों से परहेज करें। आपने देखा होगा हमारी मुहिम को भी तार पीड़ो करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमने अपनी वाणी पे संयम रखा और पंचायत की परंपरा के अनुसार इसको आगे बढ़ाया। इस प्रकार का कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।